हेलो वेलकम गाइस गाइस, ये एग्जांपल 10.2 है। हम देख रहे हैं क्वेश्चंस मिरर फॉर्मूला बेस पे। ठीक है गाइस, पहले हमने क्वेश्चन देखा था कॉन्वेक्स मिरर का, उसी कॉन्सेप्ट से चलना है स्टेप बाय स्टेप। आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, चाहे एंट्रेंस है, चाहे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है, चाहे आईसीएसई है, कोई से बोर्ड का एग्जाम है, ये पूछे जाते हैं गाइस। ठीक है, अगर कॉम्पिटिशन में सिर्फ जो है स्टेप्स में पूछते हैं क्वेश्चन, इतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो हमारा एग्जांपल 10.2 क्या है कि एक अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है आपका मिरर फॉर्मूले वाले में, मिरर्स या लेंस में जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आप उसकी डायग्राम बनाएं, इमेज फॉर्मेशन बनाएं उसका। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है और वो कॉनकेव मिरर के आगे रखा हुआ है कितने डिस्टेंस पे, 25 सेंटीमीटर में। सबसे पहले आप कॉनकेव मिरर बनाइए, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये उसका पोल होता है, ये फोकस होती है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, पी और एफ के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है, और उसका ऑब्जेक्ट जो रखा है वो 25 सेंटीमीटर रखा है और जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, सॉरी। अब आपको पता है कौन के मिरर के केस में ये ऑब्जेक्ट जो रखा है एफ और सी के बीच में रखा है, तो आपकी इमेज क्या बनने वाली है, बियॉन्ड सी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी और उसका साइज बड़ा होगा इससे। तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है गाइस। ठीक है, लेकिन अब आप वैल्यूज निकालिए, अब आपको जो है इमेज डिस्टेंस निकालनी है, मतलब पोजीशन बतानी है इमेज की, लगाइए मिरर फॉर्मूला। उससे पहले हमें इसकी वैल्यूज पॉजिटिव है नेगेटिव है वो देखनी होगी। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, क्यों, क्योंकि पोल को हम क्या मानते हैं, ओरिजिन, और ओरिजिन से लेफ्ट वाली जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस में वैल्यूज नेगेटिव होती है, तो फोकल लेंथ भी हमारी नेगेटिव होगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये 25 सेंटीमीटर है, ये भी नेगेटिव होने वाली है। ठीक है, यू आपका -25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपकी -15 सेंटीमीटर, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। कोई भी गलती नहीं होगी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपने गिवन वैल्यूज रखी, उनके साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 1/f = 1/b + 1/u, आपको निकालना क्या है, 1/v की वैल्यूज को एक साइड में रखिए, 1/f - 1/u, ये इधर चला जाएगा ना, 1/f की वैल्यू रखिए -15। ठीक है गाइस, माइनस इसको ब्रैकेट में लीजिए, -1/25। यहाँ पे होशियारी नहीं करनी है, होशियारी इसी में ही है क्या, आप स्टेप बाय स्टेप चलें 1/v। अब आपको जो है साइन की मल्टीप्लाई करनी है, जब माइनस और माइनस सेम साइन मल्टीप्लाई होता है तो वही साइन आ जाता है हमारा, ये -1/15 + 1/25। गाइस, तो 15 और 25 का एलसीएम, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 25 जो है डिवाइड नहीं, 15 जो है डिवाइड नहीं कर सकता 25 को, तो 25 का डबल दूसरा मल्टीपल 50 कर सकता है, नहीं 75 कर सकता है, हाँ कर सकता है, तो 75 इसका एलसीएम होगा गाइस, 15 × 5 = 75 - 5 = 25 = 3 ये 1/v की वैल्यू है, ना कि v की वैल्यू, इसको लिख के रखें यहाँ पे। ठीक है गाइस, ये 1/v = -2/75, v की वैल्यू हो जाएगी आपकी -37.5 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आ रही है, माइनस है तो सही है क्योंकि इमेज जो है आपकी यहाँ पे बनेगी है नेगेटिव। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन निकालते हैं, m = -v/u। ठीक है गाइस, मैग्निफिकेशन -v - कितना 37.5। कभी कभी स्टूडेंट्स जो है माइनस भूल जाते हैं फॉर्मूले में, इसीलिए सबसे पहले आपने माइनस लगाया है, फिर वी की वैल्यू पुट करी है जो कि -37.5 है। यू कितना था गाइज आपका, -25। ठीक है गाइज, ये मैग्निफिकेशन आप लिख लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, -1 बच जाएगा आपका, -37.5/2, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 1 से ग्रेटर देन आएगी। ठीक है, -1 point something आई है कुछ, ठीक है, 1 से ग्रेटर आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट जो इमेज की डिस्टेंस है वो ज्यादा है। ठीक है, कंफर्म हो गया ना, नेगेटिव है, इससे आपको क्या पता चलता है कि रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपको पोजीशन पता चल गई, आपको नेचर पता चल गया और उसकी डिस्टेंस, सॉरी साइज पता चल गया। ठीक है गाइस, इस तरह से ही आपको क्वेश्चंस करने हैं स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे गलती नहीं करनी है, ये 1/v की वैल्यू है, आपको इसको रेसिपी को लेना है। मैग्निफिकेशन में साइन पुट करते हो ध्यान रखें, सबसे पहले इमेज ड्रॉ कर लें। ठीक है, आप बता सकते हैं ये आपकी, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, -37.5 सेंटीमीटर, किससे,
पोल्स हैं, ठीक है गाइस। अब आपने माइनस वी अपॉन यू निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन में हमारे से हाइट ऑफ इमेज भी पूछी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता है, हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे? मैग्निफिकेशन का सेकंड फॉर्मूला, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू पता है गाइस, यहां से h2 की वैल्यू निकालनी है आपको। h1 की वैल्यू कितनी है? 4। h2 आ जाएगा माइनस 37.5 इंटू 4 अपॉन 25। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहां पे आप देखिए इसकी वैल्यू जो भी आएगी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव क्यों आएगी? क्योंकि ये उल्टा है और ये इस तरफ एक्सिस कौन सी होती है? नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाली वैल्यूज होती हैं परपेंडिकुलर नीचे, उनकी वैल्यू नेगेटिव आती है, और परपेंडिकुलर ऊपर उनकी पॉजिटिव आती है। ठीक है गाइस, थैंक यू। इस तरीके से क्वेश्चंस करते रहिए।